सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने बाइक में पल्सर 180 के शॉर्ट हैंडल पाइप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल के आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स आप पल्सर 180 के शॉर्ट हैंडल पाइप का लुक देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसे अपने बाइक में इंस्टॉल। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने बाइक के हैंडल बैलेंसर को एलनकी की हेल्प से खोल लेना है। फ्रेंड्स बैलेंसर को खोलने के बाद आपको हैंडल स्विचेस को भी खोल लेना है। स्विचेस को खोलने के लिए आपको इन दो स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से खोल लेना है। फ्रेंड्स स्विचेस को खोलने के बाद आपको एक्सेलेरेटर ग्रिप को भी बाहर निकाल देना है। फ्रेंड्स फिर आपको 10 नंबर के पाने से ब्रेक लीवर को लूज करके ब्रेक लीवर को भी बाहर निकाल देना है। फ्रेंड्स आपको ऐसे ही इस तरफ के स्विचेस और क्लच लीवर को खोल लेना है। फ्रेंड्स क्लच लीवर को खोलने के बाद आपको हैंडल को खोलना है। हैंडल को खोलने के लिए आपको इन चार नट को 13 नंबर के पाने से खोल लेना है। फ्रेंड्स हैंडल खोलने के बाद आपको पल्सर 180 के हैंडल को फिट करना है। और फ्रेंड्स हैंडल को फिट करने के बाद आपको थोड़े से नट को कस देना है, फिर आपको अपने सिटिंग पोजीशन के हिसाब से हैंडल को एडजस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स हैंडल को अच्छी तरह टाइट करने के बाद आपको स्विच और ब्रेक लीवर को भी अच्छे से फिट कर देना है। फ्रेंड्स दोनों तरफ के स्विच और ब्रेक लीवर को फिट करने के बाद आपको बैलेंसर को भी अच्छी तरह टाइट कर देना है। तो फ्रेंड्स अब आप पल्सर 180 के शॉर्ट हैंडल पाइप का लुक देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और एम करते हैं 1000 लाइक्स का। लाइक के सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो से आपको कुछ भी जानना हो तो कमेंट कीजिए।